बुधवार की दोपहर चोरई क्षेत्र के बाईपास पर स्थित तक्षशिला स्कूल परिसर से स्कूल के डायरेक्टर अमित शुक्रवार का भतीजा गांव के ही दो व्यक्तियों द्वारा अगवा कर लिया गया था, जिसकी जानकारी लगते ही ग्रामवासी स्कूल प्रबंधन एवं परिजनों के साथ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कॉल ट्रेस कर जानकारी ली। स्कूल प्रबंधन के सीसीटीवी से मिले सूत्र के आधार पर व्यक्तियों की पता साझी की गई। कॉल ट्रेस से मिली लोकेशन के आधार पर परिजनों के साथ पुलिस ने पहुंचकर सीतापार ग्राम के दो व्यक्ति गणपत एवं दुर्गेश के पास से बच्चे को वापस लेते हुए पुलिस के हवाले किया। वहीं बच्चे के परिजन अंकित शुक्रवार ने बताया कि बच्चा सकुशल वापस मिल गया है। स्कूल परिसर से ही ग्राम के ही परिचित दो व्यक्ति द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है। तो अंकित शुक्रवार जी खेत जा रहे थे दवाई का छिड़काव करने के लिए वगैरह, तो उन्होंने अपने बच्चे को यहीं छोड़ के चले गए थे कि 2 बजे दूसरे उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो उनके साथ छोटा वाला बालक भी चला जाएगा। और वो जो जिन लोगों ने लेके गए थे, एक का नाम दुर्गे है और एक का नाम गणेश, वो दोनों गणपत तो वो दोनों जो हैं अमित अग्रवाल जी के यहाँ पार्ट टाइम खेत में काम करते हैं, तो वैसे भी उन लोगों का आना जाना लगा हुआ है क्योंकि खेती की कुछ से एक सामग्री है जो यहाँ पर रखते हैं, जैसे बोर है तो बोर को चालू करने के लिए वो लोग आना जाना करते हैं। वो आए, गार्ड उस वक्त खाना खा रहा था, उनकी एंट्री है स्कूल में आने की क्योंकि अमित अग्रवाल जी का ही ये कैंपस है और खेती भी उनकी यहीं से लगी हुई है तो उनकी ऑलरेडी एंट्री है आने जाने की। तो वो लोग आए और बच्चे को उठा के ले जाने लगे, तो टीचर ने देखा तो टीचर भी पहचानता है हालांकि उन लोगों को, टीचर ने बोला भैया कहाँ लेके जा रहे हैं, तो वो तुरंत भागे और गाड़ी में उठा करके सात तरफ लेके चले गए। फिर तुरंत हमने पुलिस को खबर करी और हम उनके पीछे गए। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चा मिल गया और वो दोनों जो गणपत है और वो दुर्गे, वो दोनों भी प्राप्त आना चौराई में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है शुक्रवार जी ने। उनके भतीजे आसपास जो 4 साल का है तक्षशिला स्कूल कैंपस से सीतापुर के निवासी हैं, उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अपहरण कर कुछ पैसों की मांग की गई है, इस पर थाना चौराई मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। चौराई से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।